फिर से नेपोटिज्म की बातें होंगी, फिर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड होगा, बॉयकॉट ये बॉयकॉट वो, फिर करण जौहर विवादों में घिरेंगे, सोशल मीडिया से ब्रेक लेंगे, क्योंकि दो स्टार किड्स बॉलीवुड में करने जा रहे हैं एंट्री। जी, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के बेटे आर्यन और मलाइका और अरबाज खान के बेटे अरहान इन स्टार किड्स को लॉन्च करेंगे द वन एंड ओनली करण जौहर। हाल फिलहाल इंडस्ट्री में कई स्टार किड्स ने एंट्री मारी है। कहां से स्टार्ट करूं? शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान, बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्या नंदा, संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर या सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान। और अब खबर है कि माधुरी और मलाइका के बेटे भी बॉलीवुड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आर्यन और अरहान भी क्या एक्टिंग करते नजर आएंगे? तो मैं बता दूं आपको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों स्टार किड्स एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्शन सीख रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि इंडस्ट्री में कौन कर रहा है इन दोनों की मदद? तो जवाब बेहद सिंपल है, इंडस्ट्री में स्टार किड्स को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने के लिए इन दोनों की भी मदद डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर ने की है। और रिपोर्ट्स की माने तो करण के कैंप में हुई है इन दोनों स्टार किड्स की एंट्री। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में इब्राहिम अली खान के अलावा अरहान खान और आर्यन नैने भी असिस्टेंट डायरेक्टर की कमान संभाल रहे थे। हालांकि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। करण जौहर ने इसका ऐलान भी एक BTS वीडियो शेयर करके किया था। वैसे ये पहली बार तो नहीं है जब करण ने किसी स्टार किड को लॉन्च किया हो। इससे पहले भी वो कई स्टार किड्स को लॉन्च कर चुके हैं, जैसे बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी जानवी और शाहिद कपूर के भाई ईशान को करण ने धड़क से लॉन्च किया था। वहीं करण संजय कपूर की बेटी शनाया को अपनी फिल्म बेधड़क से लॉन्च करने जा रहे हैं। 2012 में अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से करण ने आलिया भट्ट वरुण धवन को लॉन्च किया था। यही वजह है कि करण जौहर नेपो किड्स को काम देने की वजह से ट्रोल होते रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो इन सब का करण पर कोई असर नहीं होता दिख रहा। भाई देखो, जिसमें टैलेंट होता है वो इंडस्ट्री में जमे रहते हैं, जैसे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, और जिसमें नहीं होता है वो नहीं चलते हैं। लॉन्च से ज्यादा टैलेंट पर सब कुछ निर्भर करता है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि इब्राहिम, अरहान और आर्यन क्या फिल्म डायरेक्शन में करियर बनाएंगे या फिर इन स्टार किड्स की भी होगी बड़े पर्दे पर एंट्री। वेल, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आप मेरा एक काम जरूर कर सकते हैं, फटाफट हमारे चैनल ENT Live को सब्सक्राइब कर दें।